हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग देवोई ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र जगह पर। मेरे साथ है मेरा दोस्त सुरेंद्र से है और हम अभी सीएनजी भरा रहे हैं गाड़ी में और अचानक ही जाने का प्लान बना तो सो हमने सोचा चलिए चलते हैं, आज हमारे नसीब में होगा उस पवित्र स्थल का दर्शन करना। तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों मेरे साथ हैं सुरेंद्र, ड्राइव कर रहे हैं और हम जा रहे हैं रुद्रपुर की तरफ। ये है आगे रुद्रपुर रोड, आप देखिए रोजी कैमरा हमने जो है रियर कैम ऑन, और ये भी बताना दोस्तों वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है क्योंकि ये फ़ोन सुरेंद्र का है। सुरेंद्र जो है बड़ा ही टैकी है, टैक गाय है और इसलिए उसने सोच समझ के फ़ोन लिया है भाई के टैकी करवा रहे हैं रिव्यू बनता है। तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर के पास का बैरियर होता है टांडा बैरियर, जहाँ मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आती, टांडा बैरियर के पास पहुंच चुके हैं और थोड़ा ये कैमरा हिलने की गाड़ी चलती है तो कैमरा हिल रहा है, जैसे आपको थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन कम फील होगी। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, आगे की रोड दिखा दें। गाइज हम पहुंचने वाले हैं रुद्रपुर, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये ट्रिप हमने बाइक पे प्लान की थी बट थोड़ा मौसम और टाइम का इशू होने की वजह से हमने गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है और मोटरसाइकिल थोड़ा अभी मज़ा सा भी नहीं आ रहा था तो हमने मोटरसाइकिल का ट्रिप कैंसिल किया और कार से चले। चलो अच्छा फैसला है, बढ़िया है, मज़ा शांति से बैठ के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने प्लान किया गाइस काठमांडू जाने का, अपनी बुलेट लेके काठमांडू जाएंगे, मेरे साथ सुरेंद्र भाई जाएंगे, वो ब्लॉग भी जल्दी आने वाला है, प्लान कर रहे हैं अभी। तो और भी कोई दोस्त हमारा काठमांडू जाना चाहता है तो हमको मैसेज करें और कमेंट में लिखें तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो और भी भाई एक से भले दो से भले चार दोस्त, कारवां बनता चला जाएगा। गाइस हम पहुँच गए रुद्रपुर गांधी पार्क और अभी भूख भी बहुत लगी है तो यहाँ देख लेते हैं खाने पीने का कुछ, जो आपको एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और हम पहुँच चुके हैं अभी रुद्रपुर, अरे तो भाई जमा आए हैं अभी रुद्रपुर गांधी पार्क में, छोले कुलचे देख लेते हैं, यहाँ के सबसे फेमस है और यहाँ का बाज़ार दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस हम बैठ गए खाने, मंगा रहे छोले कुलचे, सिटी में खाने का मजा तो चला ही है, फाइव स्टार में भी नहीं मिलता, क्यों फाइव स्टार में भी खाया हमने जो मज़ा यहाँ है वो वहाँ नहीं है। फाइव स्टार का अपना अलग मज़ा है, इधर का भी अपना एक अलग मज़ा है। एक्सपोजर कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, बस सुरेंद्र भाई खा रहे हैं गोल गप्पे। तो हम अभी निकले हैं रुद्रपुर से भोजन ग्रहण करके, छोले कुलचे और क्या खाया भाई तुमने? मैं बतासे, पानी बतासे और ये सब खा के निकले, आटे के बतासे और वो भी अच्छे हैं। कुछ कुछ भी बेकार, कुछ ही बेकार ही बेकार लग रहे। ये तो खाने का रिव्यू हो गया, अब हम आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों हम चले अभी रुद्रपुर से आगे गदरपुर की तरफ जाने पर, ये गुरुद्वारा बीच में कहीं गांव है वहां पड़ता है और सुना है इस गुरुद्वारे में जो भी मांगो वो मिलता है और
ये बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। दीप सिंह जी के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। प्रत्येक रविवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत लोग आते हैं। सुबह से सुबह 4 बजे से आना लोगों का शुरू हो जाता है और आना जाना पूरे दिन लगा रहता है। हम भी जा रहे हैं, हम अभी दोपहर के समय जा रहे हैं, करीब करीब 2 बजे का टाइम हो रहा है, 1 से 2 के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ मांगो आपको मिलता है। तो गाइस आज हम देखते हैं, आज आप सभी की सलामती की हम यहाँ प्रार्थना करेंगे। सो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ देख सकते हैं मेरे लोगों की भीड़ यहाँ लगी रहती है लगातार। कीर्तन आप सुन सकते हैं बहुत ही प्यारा, और भीड़ आती है सुबह से, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए व्यवस्था है, और ये जो आप युवक देख रहे हो ये सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ जूते रखने की निशुल्क व्यवस्था है, ऐसा आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद दूसरा काम आपको करना है, ये हाथ धोने, आपने हाथ धोने हैं। हाथों की सफाई के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था लगी हुई है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम होता है इधर। बगैर हाथ धोए आपको जाना भी नहीं चाहिए। सुनकर बड़ा आनंद, बहुत सुकून मिलता है इस दिन को। और दोस्तों अंदर हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है और ले जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल है, आस्था है प्रत्येक व्यक्ति की, तो हम अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं दी, इसलिए आपको अंदर नहीं दिखाया। लेकिन ये जो बाहर का आप व्यू देख रहे हैं, लोग किस तरह से लंगर भी लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है। हाँ तो गाइस हम यहाँ से वापस जा रहे हैं प्रार्थना करके। आप सबकी कामयाबी और सफलता की दुआएं मांग के हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत मन को शांति मिली, हमें तो बार बार आना चाहिए इधर। सुरेंद्र भाई का थैंक यू जो हमको लेके आए। कैसा लगा? थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। मुझे तो हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और आज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ है विनोद भाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। और यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी वीडियोज़।